एज ए इन्वेस्टमेंट प्रिसन 34 बहुत अच्छा ऑप्शन है। प्लॉट की जो प्राइस है वो उसकी लोकेशन पे डिपेंड करती है, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर स्टेडियम कंप्लीट हो जाएगा तो इसकी जो प्राइस है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, हाई विजन एसोसिएट बहरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अरसलान अयूब। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे पीसन 34 के बारे में। पीसन 34 जो कि 250 स्क्वायर यार्ड का स्पोर्ट सिटी का एक प्रीसेंट है। आज हम बात करेंगे इसके मेन गेट से डिस्टेंस के बारे में, इसकी सराउंडिंग के बारे में, इसके डेवलपमेंट स्टेटस के बारे में और मैक्सिमम और मिनिमम प्राइस के बारे में। आइए इन सब चीज़ों को वन बाय वन हम एनालाइज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं मेन गेट से आपको इसका डिस्टेंस बताता चलूं तो मेन गेट से 20 मिनट की ड्राइव पे पीसन 34 वाक़ है। यहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो कंप्लीट हो चुकी है, बहरिया की तरफ से पोजेशन हैंडेड ओवर कर दिया गया है और लोगों ने यहाँ पर घर बनाना भी स्टार्ट कर दिए हैं। अगर हम इसकी सराउंडिंग की बात करें तो इसके बिल्कुल साथ रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम और बहरिया के स्पोर्ट्स सिटी के विलाज हैं। इसके बिल्कुल सामने एफिल टावर वाकया है और 2 से 3 मिनट की ड्राइव पर डांसिंग फाउंटेन है। यहाँ पर बहरिया की तरफ से प्लॉट की जो लॉन्चिंग प्राइस थी वो 36,50,000 थी। करंट मार्केट की बात करें तो इस वक्त आपको पीसन 34 के अंदर प्लॉट 60 लाख से लेकर 80 लाख के अंदर मिल जाएगा। प्लॉट की जो प्राइस है वो उसकी लोकेशन पे डिपेंड करती है। अगर अच्छी लोकेशन का प्लॉट है, स्टेडियम के करीब है प्लॉट, तो उसकी जो प्राइस है वो हाई होगी, और अगर जो प्लॉट है वो बैड लोकेशन का है तो उसकी जो प्राइस है वो कम होगी। पीसन 34 250 स्क्वायर यार्ड का स्पोर्ट सिटी का पहला प्रीसेंट है। एज ए इन्वेस्टमेंट पीसन 34 बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर स्टेडियम कंप्लीट हो जाएगा तो इसकी जो प्राइस है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। जितनी तेज़ी से स्टेडियम पर काम चल रहा है उतनी तेज़ी से जो है वो इसकी प्राइजेस बढ़ रही हैं। व्यूअर्स, अगर आप बहरिया टाउन कराची में सेल, परचेज या फिर कंस्ट्रक्शन का काम करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रابطہ करें। इसी के साथ अपने मेज़बान अरसलान को दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और Facebook पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।